नमस्कार दोस्तों, ई मित्र हेल्प वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करो उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और पास में दिखाई दे रहे बेल आइकन पर क्लिक करना। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आयुष्मान भारत योजना का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है। जैसे ही आयुष्मान भारत योजना की डेट की घोषणा हुई है उसी दिन से लोगों के मन में जिज्ञासा बढ़ रही है कि किस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन होगा, किस प्रकार से हमें इसका फायदा मिलेगा, क्या है आवेदन प्रक्रिया, क्या है नामांकन प्रक्रिया। इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत सारे लेख पहले से ही प्रकाशित हो चुके हैं और हर कोई लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो लोग आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि इस योजना के लिए कोई आवेदन का प्रावधान अभी तक है ही नहीं। अभी तक इस योजना में आप आवेदन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। ये एक बेसिक यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए तो हकदारी के आधार की योजना है, यानी कि सरकार द्वारा 2011 में एक जनगणना की गई थी। उस 2000 जनगणना को आधार मानते हुए सरकार ने 10.74 करोड़ परिवारों का चयन किया। उसके अंदर से 50 करोड़ लोग हैं उसको इस योजना का सीधे तौर पे फायदा मिलेगा। तो इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी तक तो नहीं है, आगे जाके हो सकता है कि और लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाए और इसके लिए आवेदन या कोई भी प्रक्रिया है वो बढ़ाई जाए, लेकिन अभी तक इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक हकदारी आधार की योजना है जिसमें सिर्फ हकदारी आधार पर उनको सही किया जाएगा। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसी को आधार माना गया है। उसके अंदर लिस्ट में जिनको नाम है, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके दो तरीके थे, एक तो उसको आर्थिक और सामाजिक आधार की वो जनगणना, उसी को महत्वपूर्ण आधार माना गया है आयुष्मान भारत योजना के संचालन के लिए। उसी के अंदर से लोगों को सही किया जाए, बाद में जरूरत पड़ी तो और लोगों को सम्मिलित भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसके आवेदन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिसका नाम है उन्हीं को इसके बारे में बहुत जल्दी इसके बारे में लिस्ट जारी कर दी जाएगी आयुष्मान भारत योजना के पोर्टल पे, वहां से आप जान पाएंगे कि आपका इस योजना में नाम है या नहीं। या फिर नजदीकी ई मित्र और CSC केंद्र पे जाकर भी आप योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है बेसिक आयुष्मान भारत योजना में आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि आवेदन की प्रक्रिया अभी तक कुछ नहीं, ये डायरेक्ट हकदारी आधार के एक आवेदन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आके इसी योजना के बारे में और कोई सवाल है तो जरूर डालें, इसके बारे में वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो बाय बाय दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो। तो बाय बाय दोस्तों।